आप बनाए बना रहे तो पैसा लग रहा है कुछ? नहीं पैसा नहीं लग रहा, खाली 200 रुपया लग रहा। हाँ मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया और मोबाइल नंबर और मेरा नाम लिख के दिया, तो बोले 2 से 3 दिन में आपको कॉल आएगा। फॉर्म दे दिया हूँ, मेरे को बोले शाम तक के कॉल आएगा, 4-व्हीलर 2-व्हीलर का दोनों का बना रहा हूँ मैं। नहीं बना। क्या बोले? लाइन बहुत है। हाँ। तो अभी लाइन बहुत होने की वजह से तो फॉर्म लिए नहीं। अच्छा। अब फॉर्म लेने का टाइम बता रहे कि 400 फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, दिन में 85 फॉर्म होने वाला है। बहुत जगह, हर जगह होना चाहिए। मेरा ऐसा बोलना है कि जैसे भिवंडी के 4 जगह 4 कोने में होना चाहिए कि हर हर आदमी हर नागरिक इसका फायदा उठा सके। तो 34वां रास्ता सुरक्षा अभियान जो हम मना रहे 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, उसी के तहत हम अलग अलग प्रोग्राम ले रहे हैं। तो उसी के तहत आज ये लर्निंग लाइसेंस का हमने कैंप आयोजित किया। तो इस तरह से जब इतने लोग भारी भीड़ में जमा हुए तो भी मैंने इनको ट्रैफिक रूल के बारे में जो है वो जागृति का भी हमारा काम हो गया। अभी हमने बोला सीट बेल्ट पहनना है या हेलमेट पहनना है, सब पेपर साथ में रखना है, लाइसेंस रखना है, ट्रिपल सीट नहीं चलाना, रॉन्ग साइड नहीं आना। Style yourself with outfits from the Fashion Factory. Bhiwandi ki famous Last Choice & Company ki dusri branch, the Fashion Factory. Jahan aapko milenge dhero options apne outfit ke liye. Yahan aapko t-shirt milenge sirf ₹99 mein. Aur ₹1000 mein milenge 3 shirts. Aur itna hi nahi, ₹500 mein jeans bhi available hai. इसके अलावा ट्रेंडिंग बैगी जीन्स मिलेगी सिर्फ ₹600 में। तो विजिट करें फैशन फैक्ट्री, खंडूपारा रोड फरीदा मार्केट के पास ऑपोजिट हैदराबाद ईरानी चाय। 34वां रास्ता सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यहां पर एक आरटीओ ने एक लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस कैंप लगाया है। हम इस वक्त मौजूद है भिवंडी के कल्याण नाके पर आरटीओ ऑफिस के पास, जहां पर एक लाइसेंस कैंप जो लगाया गया है। यहां पर 18 साल के ऊपर जो है जो भी लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हर तरह के लोग यहां पर आकर अपना लाइसेंस जो है एक सरकार की द्वारा जो एक पेमेंट रहती है ₹201 उसके तहत यहां पर आकर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। हम अगर किसी मोटर ट्रेनिंग में या कहीं स्कूल में जाएंगे तो हमें लाइसेंस के बनवाने के लिए एक मोटी रकम अदा करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। मगर यहाँ पर हम जब आएंगे तो देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि इस चीज़ के अवेयरनेस के लिए 2 दिन पहले से एक मैसेज वायरल कर दिया गया था, जिसको देखते हुए आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर लाइसेंस बनाने के लिए आए हुए हैं। 18 साल के ऊपर जो भी लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना लाइसेंस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो बना सकता है। अब दूसरी जगह जाएंगे तो हमारा अच्छा खासा पैसा लगता है, मगर यहाँ पर जो है फ्री में बनाया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम आपका? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई आप यहाँ पे किस लिए आए? मैं हम तो रिक्शे वाले हैं। हाँ। इंक्वायरी करने आए। इंक्वायरी करने आए। हाँ। मेरा लाइसेंस बना क्या? मैं नहीं बना रहा, 400 पर टाइम जाएगा, नहीं बना रहा, मगर जा रहा हूँ। पैसा लग रहा है? पैसे का नहीं पता। टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है। अच्छा आप बनाए? काम धंधे वाले बना रहे। तो पैसा लग रहा है कुछ? नहीं पैसा नहीं लग रहा, खाली 200 रुपया लग रहा। कितने देर से हो आप? मैं तो अभी आधा घंटा हुआ। और नुकसान बाइक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लाइसेंस बनाए क्या? अभी तो आया हूँ मैं, अभी आया हूँ। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो हिसाब से भिवंडी की आबादी है ये काफ़ी छोटा कैंप देखा जा रहा है। पब्लिक जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा उठते हुए दिखाई दे रही है और ये कैंप का टाइमिंग जो थी 11 बजे से शाम में 4 बजे तक थी, मगर फिलहाल जो हिसाब से भीड़ देख रहे हैं हमें नहीं लगता कि ये जो है आज कवर हो पाएगा। हमने जिस तरह से अभी आपको बताया, जब उसके बाद हम अंदर गए तो हमें कई चीज़ निकल कर आई कि हमने जब देखा कि मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से वीक होते हुए दिखाई दिया, किसी को किसी तरह का गाइड नहीं किया जा रहा था, पब्लिक जो है आने के बाद दर बदर भटक रही थी और लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे थे और कई लोग तो हमारे पास आए कि आगे क्या करना है आगे क्या करना है, मगर हमें किसी तरह का मार्गदर्शन कोई देने वाला यहाँ पर दिखा नहीं। तो कई लोग जो है यहाँ पर वापस जाते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई लोग हमारे साथ मौजूद है
भाई साहब आप लाइसेंस बनवाए क्या? बनवाए क्या आप? हाँ, मैं आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया और मोबाइल नंबर और मेरा नाम लिख के दिया, तो बोले 2 से 3 दिन में आपको कॉल आएगा। अच्छा, 2 से 3 दिन में कॉल आएगा। तो क्राउड देख के आपको क्या लगता है कि इस तरह का कैंप लगना चाहिए? हाँ, हर जगह लगना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ धावन नागा हो गया, अंजुर फाटा, भंडारी, ये सब जगह मेन एरिया में, जैसे बहुत लोग का लाइसेंस नहीं है, आज बच्चे लोग का गाड़ी चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है भाई, तो इस तरह का लाइसेंस बनना चाहिए, हर लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए, अपनी ये राय है। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा यहाँ पे कैंप लगा? मैं तो आया तो मेरे मोहल्ले में एक बताया, बोले वो लाइसेंस बन रहा है, तो मैं उसके हाथ से आया। तुम बनाए क्या? हाँ भाई, बनाया। यानी आपका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया कि अभी? नहीं, अभी मैं फॉर्म दे दिया हूँ, मेरे को बोले शाम तक के कॉल आएगा, 4-व्हीलर 2-व्हीलर का दोनों का बना रहा हूँ मैं। कहाँ गए थे आप? बना लाइसेंस? नहीं बना। क्या बोले? लाइन बहुत है। हाँ, तो अभी लाइन बहुत होने की वजह से तो फॉर्म लिए नहीं। अच्छा, अब फॉर्म लेने का टाइम बता रहे कि 400 फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है, दिन में 85 फॉर्म होने वाला है, तो वो हिसाब से फॉर्म सबमिट मैंने किया। इस तरह से बताया जा रहा था कि 11 से 4 ये कैंप रहेगा, तो आपको क्या लगता है ये इसमें हो जाएगा पूरी बीओटी का? मेरे को तो नहीं लगता नहीं होगा, क्योंकि आज मैं पहले अभी आया हूँ तो देख रहा हूँ इतनी भीड़ है, पॉसिबल ही नहीं है इस तरह का कैंप और होने से। हाँ, बहुत जगह, हर जगह होना चाहिए, मेरा ऐसा बोलना है कि जैसे भिवंडी के 4 जगह 4 कोने में होना चाहिए कि हर आदमी, हर नागरिक इसका फ़ायदा उठा सके। और बता रहे हैं सिर्फ 210 रुपये में, ऐसा सुनना हूँ मैं, अभी वो तो मालूम पड़ेगा आगे, जब प्रोसीजर आगे जाएगा तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म लेने के बाद फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद। नहीं, अभी मेरे हाथ में ही है फॉर्म, अभी मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। ठीक ठीक आप बनाए क्या? नहीं, अभी फॉर्म सबमिट कर दिया मैंने। अभी फॉर्म सबमिट कर दिया, बोले 2-3 दिन के अंदर आपको कॉल आएगा, तो आपको कॉल करके बुलाएंगे, तो आप आना। फॉर्म सबमिट हो गया। देखा आपने किस तरह से पब्लिक का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये भिवंडी की आबादी के एतबार से ये कैंप जो है काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। इसी तरह के कैंप जो है हर इलाके में लगाना चाहिए, ऐसा स्थानिकों का और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस तरह के कैंप जो है हर जगह जगह पे लगाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जब मोटर ट्रेनिंग स्कूलें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस बनाने का चार्ज करती है, और बीच में जो ब्रोकर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस बनाने का चार्ज करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम RTO से अपील करेंगे कि ये भिवंडी में जो है इसी तरह का कैंप हर हफ्ते महीने पे इसी तरह का कैंप लगाते रहे, जिससे भिवंडी के लोगों को लाइसेंस बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। 34वां रास्ता सुरक्षा अभियान जो हम मना रहे 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, उसी के तहत हम अलग अलग प्रोग्राम ले रहे हैं, तो उसी के तहत आज ये लर्निंग लाइसेंस का हमने कैंप आयोजित किया है। जैसा हम देखते हैं कि देखो आप कितनी भीड़ है, इसका मतलब ये सब वो लोग हैं जो लोग विदाउट लाइसेंस भी गाड़ी चला रहे थे, तो आज हमने ये जो लर्निंग लाइसेंस का जो कैंप लिया है इसके लिए अभी ये लोग बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। अभी ये लोग लर्निंग लाइसेंस निकालेंगे, जो पहली स्टेप है परमानेंट लाइसेंस की, फिर इसके बाद में 1 महीने बाद ये परमानेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जब इतने लोग भारी भीड़ में जमा हुए, तो भी मैंने इनको ट्रैफिक रूल के बारे में जो है वो जागृति का भी हमारा काम हो गया। अभी हमने बोला सीट बेल्ट पहनना है या हेलमेट पहनना है, सब पेपर साथ में रखना है, लाइसेंस रखना है, ट्रिपल सीट नहीं चलाना, रॉन्ग साइड नहीं आना है, सब जन जागृति करने के लिए हमको ये लोग मिले और इनका लर्निंग लाइसेंस का आज इनको मिल जाएगा। सर, यहाँ पे जो लर्निंग लाइसेंस जो बनाया कैंप लगाया जाए, यहाँ पे चार्ज क्या है और डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है? जी, इसके लिए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, जो आधार कार्ड जो लिंक्ड हो, और जो गवर्नमेंट की फ़ीस है मुझे लगता है कि 2-व्हीलर के लिए 201 रुपये और 2-व्हीलर और 4-व्हीलर का एक करते हैं तो 352 रुपये जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वही भरना है, और वो भी उनको उनका UPI के थ्रू या तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी वो उसी के थ्रू भरते हैं, और उसके अलावा उनके लिए 1 पैसा भी नहीं लगेगा, बाकी सब मुफ्त है। सर, एक सवाल यहाँ पे है, अगर ये पैदा होता है कि यहाँ पे देखा जाए तो 10 बजे से ये कैंप चालू हुआ है और 10 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है, मुझे नहीं लगता है कि इस शाम तक ये लाइन ख़त्म होगी, तो पब्लिक को देखते हुए क्या ये कैंप को आगे बढ़ाने का चांसेस है क्या? देखिए, वैसे तो है ना, आज जो भी लोग आएंगे उनका जब तक हर एक का लर्निंग लाइसेंस यहाँ पे आज जो आता है उसका जब तक हर एक का लर्निंग लाइसेंस नहीं निकलता तब तक तो ये कैंप ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आज कितना भी लेट हो जाए इनके सबके लर्निंग लाइसेंस हम निकाल के देंगे, तो उसके लिए 3 लैपटॉप लगे, 3 लैपटॉप पे उनका टेस्ट होगा और उनका होगा। अगर आज जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें से कुछ लोग अगर बचते हैं तो हम वो कल भी उनका लर्निंग लाइसेंस निकाल देंगे। ये बहुत बढ़िया।